22 मई रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश जी का आज है बुधवार। कुंडली में बन रहा है वरियान योग। आपके प्रोडक्ट को आपको नई पहचान मिलेगी। गुरु मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, संतान सुख और संतान से सुख के साथ नए मेहमान का सुख भी मिलेगा। चंद्रमा और केतु का द्विद्वादश संबंध शारीरिक और मानसिक तनाव दे सकता है। घर में तरक्की के लिए एक विशेष उपाय आज बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे राहु और मंगल का अंगारक दोष, अगर आपके फर्स्ट हाउस में तो जानेंगे क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 मई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, एक सीख देकर आज के राशिफल की मैं शुरुआत करूंगा। कठोर परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बिना सफल होने का एक भी चांस नहीं है। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में पालतू कुत्ते को टहला रहे थे, तभी एक युवक वहां पर आता है आश्रम में और कहने लगा कि स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को तुरंत समझ गए। उन्होंने उससे कहा, भाई थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। वो युवक कुत्ते को लेकर चला गया। बहुत दूर तक कुत्ते को टहला के जब वो वापस पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक तो शांत है लेकिन कुत्ता जोर जोर से हांफ रहा है। इस पर स्वामी जी ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया, तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। युवक बोला, स्वामी जी मैं तो धीरे धीरे बड़े आराम से चल रहा था, ये बाकी जानवरों के ऊपर भौंक रहा था, बड़ा शांत इधर उधर दौड़ रहा था, इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। तब स्वामी जी ने कहा, भाई तुम्हारे सवाल का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने, लेकिन तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य चीजों की तरफ भाग दौड़ कर रहे हो। इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक को उत्तर से संतुष्टि मिली। हमें क्या सीख मिली? हमें अपने लक्ष्य को लेकर एकाग्र होना चाहिए और उसी के पीछे दौड़ना चाहिए। आप देखिए दिन भर में आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने एकाग्रचित हैं, या दूसरी गॉसिपिंग, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, अब की बार कितनी सीटें, इन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। जिसका जो काम है उसको पहले साधिए, फिर जब टाइम मिले तब गॉसिप करिए। लेकिन अगर गॉसिप ही करते रह जाओगे तो जिंदगी रेत की तरह हाथ से निकल जाएगी। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 मई को मुंबई में हूं, 26 मई को पुणे रहूंगा, 1 जून को दिल्ली और पटना, 2 जून को रांची, 7 जून मुंबई, 8 जून को कोलकाता, 11 जून दिल्ली और 12 से 22 जून तक मैं लंदन, लेस्टर, बर्मिंगम, इंग्लैंड की यात्रा पर रहूंगा। आप चाहें तो इन शहरों में मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या मैं रोजाना ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट्स जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, रोजाना सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमारे पंडित जी लाइव आते हैं। आप अपनी कोई मनोकामना अपने नाम, माता पिता का नाम और गोत्र के साथ भेजिए, वो लाइव टेलीकास्ट में आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए आज शाम को 6:48 तक चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा तिथि रहेगी, बैसाख मास की पूर्णिमा, और आज सुबह 7:47 तक स्वाति नक्षत्र और फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया वरियान योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपको शुभ समय दो बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा, लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें तो बेहतर है। लेकिन जो लोग बैसाख मास की पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं वो 23 तारीख को करें। इसका एक विशेष कार्यक्रम एपिसोड भी मैंने दिया है जिसे लिंक में शेयर कर रहा हूं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, बड़ा लव पार्टनर और वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ संबंध को मजबूत बनाइए। वरियान योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के कारण आपको काम में सफलता मिलेगी और आपका मुख्य लक्ष्य आपके मैनेजमेंट से हासिल होगा। टारगेट बेस्ड जो लोग काम करते हैं, कमीशन बेस्ड जो लोग काम करते हैं और जो किसी प्रकार का ब्रोकरशिप का काम करते हैं, लाइजनर हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। एम्प्लॉयड पर्सन को आज सुस्ती को त्याग देना चाहिए और जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करें। लगातार मिल रही सफलता से व्यापारियों में आपसी प्रतिस्पर्धा रहेगी, लोग आपसे जलन करते हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट,
फूड एंड वेजिटेबल्स, और साथ में ऐसे लोग जो खाना पीना, स्पा, सलून, जिम चला रहे हैं, किसी प्रकार की कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, उनको मुनाफा मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने बुक्स, अपने नोट्स, अपनी चीजों को संभाल कर रखें, उनका खोना या मैस होने की संभावना ज्यादा है। माता पिता को अपने बच्चों के स्वभाव और उनके आदतों पर नजर आज डालनी चाहिए। न्यू जनरेशन मनोरंजन के लिए खेलकूद का सहारा भी ले सकते हैं, इससे आप मेंटली और फिजिकली फिट भी रहेंगे और आपको हल्कापन भी महसूस होगा। हार्मोन्स की तकलीफ परेशान कर सकती है और गर्मी जनित रोग आपको परेशान करेंगे, ख्याल रखिएगा। वृषभ राशि, मानसिक बीमारी से आपको छुटकारा आज मिल सकता है। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ टाइम के साथ अपने हर काम को तय करना जरूरी, इससे आपका मैनेजमेंट और बेहतर होगा। एम्प्लॉयड पर्सन पर ऑफिस के कामकाज को लेकर जिम्मेदारी बढ़ने पर अधिक समय देना पड़ सकता है। वरियान योग के बनने से बिजनेस पर्सन के हाथ कोई बड़ा ऑर्डर या टेंडर भी लग सकता है। बिजनेस पर्सन को बड़ा ऑफर मिले इसके लिए आपको खुद ऑफिस जल्दी पहुंचना चाहिए, गणेश जी का नाम लेकर। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को स्वयं से ईर्ष्या का भाव नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों से करना चाहिए, सिर्फ रिलैक्स होकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। धन का व्यय ज्यादा होगा, रॉन्ग शॉपिंग भी हो सकती है। भाई बहनों या किसी की आर्थिक मदद आपको करने का आज अवसर मिलेगा। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने वाले हैं। खान पान के साथ किसी भी तरह की लापरवाही आज न करें, वरना सेहत खराब हो जाएगी। न्यू जनरेशन पार्टनर की शिकायत को दूर करने का प्रयास करें। दिन के अंत तक पार्टनर को जो रूठा हुआ है उसे आप मना ही लेंगे। मिथुन राशि, आकस्मिक दल्लाभ, अचानक से किसी से मेल मुलाकात, अचानक ट्रेवल, आज कुछ अलग हो सकता है। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए मेहनत का नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करना है। जो लोग स्टोर मैनेजर हैं, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट काम करते हैं, COO हैं, उन जॉब करने वाले लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कुछ गड़बड़ियां आपके ऑफिस में हो रही है, चोरी हो रही है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। वरियान योग के बनने से जो लोग इंटरेस्ट पर बिजनेस या इंटरेस्ट का बिजनेस करते हैं, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद का काम करते हैं, उन्हें आज लाभ मिलेंगे। बिजनेस पर्सन कोई बड़ा निवेश करने से पहले उससे संबंधित दस्तावेज, जरूरी चीजें जांच परख लीजिए। न्यू जनरेशन आउटिंग के लिए रेस्टोरेंट और कोई स्पा, सलून, जिम, फैशन हॉबीज का काम करने वाले नए लोगों से आज मुलाकात होगी। प्रेम प्रसंग में रहने वाले युवाओं को प्रेमिका या प्रेमी को मनाने के लिए आज थोड़ी एड़ी और चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेंगे। फैमिली के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आपके काम भी पूरे होंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, ज्यादा पानी पीना मत भूलना। कर्क राशि, परिवार की समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, जितना आज मौन रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर टारगेट बेस्ड काम करते हैं उन्हें अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। आप जो स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो आप जल्दी फ्री भी हो जाएंगे, काम भी पूरे हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन जॉब करने वाले लोगों को बॉस का मूड देखकर अपने सवाल दागने चाहिए और लॉजिकल क्वेश्चन करने चाहिए, वरना क्रोध आ जाएगा। बिजनेस रिलेटेड कोई भी फैसला जल्दीबाजी और इमोशंस में न लें, अनुभवी लोग और बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही लेना चाहिए। केमिकल, ऑयल, पेट्रोल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को आर्थिक रूप से कोई नुकसान दे सकता है, कहीं आपका पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सब्जेक्ट और अपने काम की पकड़ मजबूत करिए, ऊपरी हवा में न रहें और ना ही दिखावे का सहारा लीजिए। किसी टीचर, कोच, गुरु का, मेंटोर का आपको मदद लेनी चाहिए। याद रखिएगा, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं। जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ हुई छोटी मोटी नोकझोंक को दिल पर ना लगाएं, गले मिल लीजिए, गले पड़िए मत। मैरिड लाइफ में वैचारिक मतभेद होने की वजह से तनाव बढ़ जाएगा। नसों में खिंचाव, गर्दन में तकलीफ, बैकबोन की तकलीफ परेशान कर सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब चार राशि की बात, आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर में तरक्की के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, बरकत नहीं हो पा रही है, पैसा टिकता नहीं है, तो बुधवार के दिन श्री गणेश जी को 11-5 पत्ती की दुर्वा अर्पित करें, हरे बूंग और थोड़ा गुड़ अर्पित करें, श्री गणेश चतुर्थी का पाठ करें। इसके बाद एक कांसे की थाली में चंदन से ओम गंग गणपते नमः मंत्र लिखकर उस पर 5 बूंदी के लड्डू रखकर श्री गणेश जी को अर्पित कर मंदिर में दान करें। ये उपाय आप कम से कम 11-21 बुधवार को करेंगे तो लगातार घर में बरकत होने लग जाएगी। बात करते हैं सिंह राशि की। साहस, करेज और एंथुसियाज्म डेवलप होगा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना व्याप्त होगी।
वरियान योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए आपको नए प्रोजेक्ट की कमान सौंपी जा सकती है। बात करें एम्प्लॉयड पर्सन की तो उन्हें को वर्कर्स के साथ काम करते समय बुद्धि और चतुराई दिखाने की जरूरत है। बिजनेस पर्सन को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को मन और बुद्धि का ठीक तालमेल रखेंगे तो आज परफॉर्मेंस आपके ट्रैक पर आ जाएगी। घर की जरूरतमंद वस्तुओं की खरीदारी लिस्ट बनाकर करिए, अनावश्यक खरीदारी आपके बजट को खराब कर सकती है। न्यू जनरेशन के लिए दिन सामान्य है, फालतू के काम में आप अपना ध्यान न लगाएं। जहां पर भी कहीं कोई भी ऐसी चीज हो रही जो आपके काम की नहीं, तुरंत वहां से हट जाए वरना बात पतंगड़ का रूप ले लेगी। परिवार के लिहाज से दिन शांतिपूर्वक रहेगा, सभी का सहयोग मिलेगा। सेहत के मामले में मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करिए, दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, पैसा इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रखिए। रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए कुछ स्पेशल करिए। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ सुर ताल और लय बैठा के चलिए, हंसी मजाक की बात बहस में तब्दील हो जाएगी। बिजनेस पर्सन को लेकर अति आत्मविश्वास करना ठीक नहीं है। रोज की तरह अपने प्रयास, मेहनत, स्मार्ट वर्क करते रहिए। आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट के मनोवांछित कार्य पूरे होंगे, जिसके चलते मन में पॉजिटिव जो वातावरण बनेगा। मूड सही नहीं होने पर सभी लोगों के साथ, आपको फैमिली मेंबर्स हो, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोई प्लान नहीं बनाना चाहिए। डायबिटिक, हार्ट के पेशेंट और एंग्जायटी वाले लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। तुला राशि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास डिगने ना पाए, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए टीम बनाइए और अपने आप को लीडर बनाइए। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर वैसे ही है। एम्प्लॉयड पर्सन, करियर में फोकस रहिए और समय समय पर सीनियर से मार्गदर्शन भी लेते रहें। बिजनेस में मिल रही सफलता से आप चने के झाड़ पर न चढ़ें, आगे की तैयारी में लग जाएं। प्रसिद्धि मिलेगी और मन प्रसन्न होगा। साथ ही आप किसी नई जगह पर काम शुरू करना चाहते हैं, नए लोगों को, नई टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहते हैं या कुछ भी बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो सुबह 7 से 9 या शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में करिए। बिजनेस पर्सन को अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है। न्यू जनरेशन का मन यदि किसी एक काम को करने में स्थिर नहीं हो रहा है तो उन्हें अपने मन के घोड़े पर लगाम लगा देनी चाहिए। घर परिवार में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसकी मदद जरूर करेगा, निराश न लौटे। स्टडी में कुछ व्यवधान स्टूडेंट को आ जाने वाले हैं। अगर आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट में तकलीफ होने वाली है। वृश्चिक राशि, बढ़ते खर्च को कम कर लीजिए वरना कर्जे में डूब जाएंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने वर्क रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए, घूमने या गलत उसका इस्तेमाल करने के चांसेस है। एम्प्लॉयड पर्सन को अहंकार और अहम और वहम नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि जैसे फलदार वृक्ष की भांति विनम्र होना है। जैसे पेड़ पर जब फल लगते हैं तो पेड़ सीना तान के खड़ा नहीं होता है, झुक जाता है। तो तरक्की करें तो शांत रहिए। बिजनेस पर्सन को गलतियां करने से बचना चाहिए क्योंकि आज बड़ी गलतियां आप करने वाले हैं। समय अनुकूल न होने पर बिजनेस पर्सन के कुछ काम होते होते रुक जाएंगे। जब तक काम पूरे न हो, जेब में पैसे ना आए, किसी को न बोले वरना आपको, आपकी जुबान की आपको ही नजर लग जाएगी। न्यू जनरेशन पर भरोसा करके यदि कोई नए काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए तो उसे पूरा करने के लिए उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास जरूर करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुर ताल बिगड़ने वाले हैं। मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो उन्हें पसंद नहीं होंगे और कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। संतान के कमजोर विषयों को ठीक करने के लिए आपको बैठकर उन्हें पढ़ाना होगा। घर के छोटे बच्चों का विशेष ध्यान दें, खेलते समय उन्हें चोट लग सकती है। और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। फैमिली में व्यर्थ के वाद विवाद में तर्क वितर्क बतंगड़ बना सकता है, इसलिए उससे दूरी बनाएं। सेहत के मामले में आपको पेन, जॉइंट पेन परेशान कर सकता है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद बात करते हैं कि 6 जून को शनि जयंती है तो क्यों है शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी। देखिए, शनिदेव के गुस्से की एक वजह कथा में सामने आई कि माता के अपमान के कारण शनिदेव क्रोधित हुए, लेकिन वहीं ब्रह्म पुराण इसकी कुछ और ही कहानी बताता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब शनिदेव जवान हुए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह हुआ। शनिदेव की पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी, लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे बुलाए दिया हो। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा लिए वह शनि के पास आई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे।
वे प्रतीक्षा कर करके थक गई और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाने की लाख कोशिश की, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था जो वापस नहीं आ सकता था। अपने श्राप के प्रतिकार की ताकत उनमें नहीं थी, इसलिए शनि देवता अपना सिर नीचे करके रहने लगे। बात करते हैं धनु राशि की। आमदनी कैसे बढ़े, रुका हुआ पैसा कैसे प्राप्त हो, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, एटलीस्ट पर चिंतन तो करिए। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कोई एडवेंचर नहीं करना है, कोई नया काम नहीं करना है, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में करना है। एम्प्लॉयड पर्सन को ओल्ड फाइल्स, डेटा, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, उससे मदद मिलेगी। पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की बिक्री नहीं हो पा रही है तो उस पर जी जान लगाने की बजाय जो प्रोडक्ट चल रहा है उस पर मेहनत ज्यादा करिए। बिजनेस पर्सन को अपने नियम कायदे कानून खुद बनाने चाहिए और उधार माल देने से आज बचना चाहिए। परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद युवा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, मन हल्का करने के लिए दोस्तों के साथ आज लेजर टाइम व्यतीत करेंगे। दिन की शुरुआत न्यू जनरेशन गणेश जी के जाप से करें, आध्यात्मिक चेतना जगेगी, मन शांत रहेगा। पॉलिटिशियन को चुनावी माहौल को देखते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जी जान से जुट जाएं। भाई बहन के साथ तालमेल बिठाएंगे तो माँ बाप बहुत खुश होंगे। और जो लोग अपने पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ कहीं ट्रेवल करना जाना चाहते हैं तो आज का दिन उनके लिए बहुत शुभ है। मकर राशि, आज नए लोगों से मुलाकात होगी, राजनीतिक उन्नति होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल को लाभ मिलेगा। वरियान योग के बनने से न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिजनेस में लोन अप्लाई किया, किसी से पैसा बोरो करना है तो आपको आज वेट करना चाहिए, वरना आपकी इमेज बैंक में या दूसरी जगह पर खराब हो जाएगी। पैतृक संपत्ति के मामले सुलझने के आसार है। प्रेमी जो लव बर्ड्स है उनको मन की बात आज शेयर करने में झिझक नहीं करनी चाहिए। टीचर, कोच, मेंटोर से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सफलता के गुर मिलने वाले हैं। अपनी बैड कंपनी से जितना जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है। फैमिली में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है लेकिन आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। न्यू जनरेशन एक ही बात को लेकर कई बार विचार बदलने वाले हैं, आज मूड स्विंग होने वाला है। अपनी गाड़ी को किसी को चलाने ना दें, ना किसी और की गाड़ी आप चलाएं। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए और आपको पदयात्रा करनी पड़ जाए। बदलते मौसम का ध्यान रखते हुए पानी ज्यादा पिए और हो सके तो किसी महिला की आज मदद कर दीजिए, किसी को मधुर वाणी से खुश कर दीजिए, आपका दिन बन जाएगा। कुंभ राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, किसी की मदद करके आपका भाग्य चमकेगा। वर्क प्लेस पर आप अपने वर्क को टाइम पर कंप्लीट करने में रुचि दिखाइए। नौकरी बदलने के बजाय नौकरी में थोड़े बदलाव, प्रमोशन दिलवा सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, यदि आप टीम को लीड कर रहे हैं तो किसी पर कोई चीज थोपिए मत, गलतियों पर क्रोधित ना हो बल्कि शांत रहकर समझाने का प्रयास करें। बिजनेस पर्सन को छोटी छोटी बातों से सीखना होगा, साथ ही बड़े फैसले लेने से आज बचना होगा। बिजनेस पर्सन कोई नया सौदा करते समय सजग रहें, आज आर्थिक रूप से चोट लग सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन अकारण इधर उधर भटकेगा जिस कारण स्टडी में उनका मन कम लगेगा, मन में विचलन की स्थिति हो सकती है। माँ की गोद में बैठ जाएं, माँ सर पे हाथ रखेगी, सारा विचलन दूर हो जाएगा। इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई प्यार कर सकती तो वह है माँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत न्यू जनरेशन को अध्ययन के लिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और पुराने पेपर को सॉल्व करना चाहिए। यदि आप घर के मुखिया हैं तो बाकी सदस्यों को अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र करिए, सबको अपना अपना स्पेस दीजिए। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले लोग अगर शादीशुदा है तो ससुराल से कोई बहस बढ़ सकती है या परिवार से, जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे उतना अच्छा है। वर्क प्लेस पर आपका काम बोले आप नहीं बोले, इससे सीनियर और बॉस की पहली पसंद आप बन जाएंगे। अपने काम में सुधार करिए और पुराने काम पर जो है वो चिंतन और मंथन करिए। बिजनेस पर्सन को कस्टमर की पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए स्टॉक मेंटेन करना चाहिए और कस्टमाइज काम करने पर ध्यान दीजिए। बिजनेस पर्सन टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट पूरे रखें, अनियमितता और ऐसी सूरत में आपको भारी जुर्माना हो सकता है। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को करियर के लिए आज नई दिशा मिलने वाली है। अपने आसपास साफ सफाई रखिए वरना एलर्जी हो जाएगी। फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ आज कोई सरप्राइज पार्टी हो सकती है। अहंकारी भावना जागृत होगी आपके अंदर। न्यू जनरेशन के लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कोई जुबानी जंग हो सकती है। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अलर्ट रहिए। प्राण जाए पर वजन ना जाए, इसलिए वजन को कम करने के लिए आज
थोड़ा दौड़ भाग करिए, संतोष मिलेगा। प्रिय साथियों, आइए कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। राहु और मंगल दोनों अगर साथ में बैठ जाए तो अंगारक दोष बनता है। अगर ये फर्स्ट हाउस में हो तो इंसान अच्छा लॉयर बनता है, अच्छा टेक्नीशियन बनता है, गुप्त विद्या सीखते हैं और ऐसे लोग जुडिशरी में भी जाते हैं और बहुत शातिर होशियार होते हैं, लेकिन हिंसक स्वभाव होता है, कई बार लालच बहुत आ जाता है, अतृप्त भावनाएं बहुत रहती हैं, आकस्मिक चीजें ऐसे लोगों के साथ जिंदगी में ज्यादा होती है, गुस्सा ज्यादा होता है, ऐसे लोग मंगली भी होते हैं और अहंकार ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा होता है। आसानी से कई बार ये छोटे छोटे अपराध भी कर लेते हैं, अपने प्रेमी या जीवन साथी के ऊपर क्रोध करके उन्हें अपने से बेगाना कर देते हैं। वे भौतिक चीजों के प्रति बहुत रुचि रखते हैं और कल्पनाओं में बड़े उलझे हुए रहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र श्री गणेश जी को घर के बने लड्डू मोदक का भोग लगाएं, साथ ही 11-5 बत्ती वाली दूर्वा अर्पित करें, वहीं बैठकर श्री गणेश चतुर्थीश का पाठ करें, शाम को गाय को अपने वजन के बराबर चारा गौशाला में दान कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।